आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शीख कबाब, जो ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी होती है। शीख कबाब मटन से भी बने जाता है और चिकन से, बट आज हम मटन में बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही झटपट रेसिपी होती है, 30 मिनट के अंदर बन जाती है। चलिए हम देखेंगे आज ये रेसिपी कैसा बनती है। हम जार लेंगे, जार के अंदर जाएगा सूखा खोपरा, धनिया, बाद में जाएगा प्याज, फ्राइड ग्राम्स, पुदीना, करी पत्ता, शाही जीरा, काली मिर्च, काजू, खड़े मसाले, खुसखुस, चार हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून हल्दी और थोड़ी बहुत लाल मिर्ची का पाउडर। हम यहाँ पे तीन रकम का मिर्ची यूज़ कर रहे हैं, पेपर, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची फ्लेवर के लिए। और लास्ट में जाएगा कस्तूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, बट कस्तूरी मेथी डालोगे तो बहुत सारा फ्लेवर मिलेगा। और लास्ट में जाएगा तेल, क्योंकि मटन कीमा में जितना फैट होना है उतना फैट नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तेल डालोगे तो फैट रहेगा और फैट रहने से थोड़ा शीक और मॉइस्चर बरकरार रहेगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मैं एक अंडा डाला हुआ है, बाद में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, बाद में आ जाएगा स्वादानुसार नमक और फिर से और अच्छे से क्विक मिक्स कर लेंगे। अब हम ये शीख कबाब के मिक्सचर को मैरिनेट के लिए रेफ्रिजरेटर में एक घंटे के लिए रख देंगे। मैं मेरे अपने हाथ को गीला करके शीख कबाब का मिक्सचर को ऐसे राउंड बना के ये स्टिक्स के ऊपर डालूंगी और इसको अच्छे सा हल्के से दोनों तरफ से शीख कबाब को भून लीजिए।